हिंदू चार्टर के मुद्दे पे हमारी ये प्रेस मीट है। इसमें मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा कि ये हिंदू चार्टर है क्या। अगर हम लोग बहुत संक्षिप्त में एक लाइन में बोले तो हिंदू चार्टर का मतलब है कि हम लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि भारत में हिंदुओं को बाकी धर्मों के बराबर अधिकार दिया जाए, इक्वल राइट्स फॉर हिंदूज इन इंडिया। हिंदुओं को इस देश में समान अधिकार दिया जाए, जो कि भारत के संविधान की धारा 14 आर्टिकल 14 से हमें दिया गया है। संविधान ने ये कहा है कि इस देश में धर्म के कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं किया जाएगा। धर्म के आधार पर जो राज्य सरकार है, देश की सरकार है, वो किसी को ना फायदा पहुंचाएगी ना किसी के खिलाफ काम करेगी। ये संवैधानिक अधिकार है। लेकिन देखने में ये आया कि पिछले लगभग 70 सालों में धीरे धीरे संविधान के कुछ प्रावधानों की गलत व्याख्या करके हिंदू समाज के खिलाफ संविधान के ही कुछ भागों का उपयोग किया गया। जैसे आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 31 तक, जिसमें अल्पसंख्यक समाज के लिए कुछ विशेष अधिकारों की बात की गई थी, उनको ऐसा बना दिया गया जैसे ये केवल अल्पसंख्यक समाज को अधिकार दिए जाएंगे और इस देश में और किसी को अधिकार नहीं है। और उसका नतीजा ये हुआ कि आज इस देश में ऐसी कई योजनाएं, ऐसे कई विभाग, ऐसे कई कमीशन चल रहे हैं जो कि धर्म पर आधारित हैं। माइनॉरिटी कमीशन के नाम पर या धर्म के आधार पर ही किसी समाज में बेटी के पैदा होने पर सरकार के द्वारा स्कॉलरशिप देना, शैक्षणिक सरकार के द्वारा बेनिफिट देना, एडमिशन में सरकार के द्वारा छूट देना, या कुछ धर्मों को अपने शैक्षणिक संस्थान चलाने की इजाजत देना और बहुसंख्यक जो धर्म है इस देश का उसको वो इजाजत ना देना, ऐसे ही बहुत सारी चीजें पिछले 70 साल में धीरे धीरे आई। तो हम लोगों ने ये सोचा कि ये आखिर संविधान का दुरुपयोग है, और इसीलिए इस संबंध में डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी ने एक बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, भारत की संसद में एक प्राइवेट मेंबर बिल के नाते प्रस्तुत किया हुआ है, जिसमें यह कहा गया है कि जहां भी इस देश के संविधान में यह लिखा गया है कि यह अधिकार केवल अल्पसंख्यकों को है, वहां पे अल्पसंख्यक शब्द हटाकर यह किया जाए कि यह अधिकार इस देश के सभी नागरिकों को है, चाहे वो फिर अपने धर्म के शैक्षणिक संस्थान चलाने की बात हो, चाहे वो अपने धार्मिक स्थलों के मैनेजमेंट और संचालन करने की बात हो, चाहे जो धार्मिक स्थलों में आने वाला लोगों का दान की राशि होती है उसमें इनकम टैक्स देने की बात हो, ये सभी धर्मों के लिए बराबर की जाए। इसमें किसी धर्म को इसमें छूट देना और किसी धर्म को इसमें छूट ना देना, इसका हम लोग विरोध करते हैं। हमें ये लगता है कि ये देश के कानून की मूल भावना के खिलाफ है। तो ये हिंदू चार्टर की पहली डिमांड है, पहली मांग है कि इस देश में हिंदू समाज को, बहुसंख्यक समाज को बराबर का अधिकार दिया जाए बाकी धर्मों के साथ। हम लोगों को ये महसूस होता है कि बहुसंख्यक समाज के अधिकार कम हों और अल्पसंख्यक के समाज के अधिकार ज़्यादा हों। ऐसा मॉडल आखिरी बार दक्षिण अफ्रीका में देखा गया था, जहाँ थोड़े से गोरों के अधिकार ज़्यादा थे और जो मूल आबादी अश्वेत समाज की वहाँ पर रहती थी उनके अधिकार छीन लिए गए थे। ऐसी ही स्थिति कुछ कहीं ना कहीं इस देश में धीरे धीरे आ गई है, जहाँ पर अल्पसंख्यक समाज के अधिकारों के नाम पर बहुसंख्यक समाज के बहुत सारे अधिकार छीन लिए गए हैं या भेदभाव किया जाता है, और एक सेकेंड क्लास सिटीजन की तरह देश के बहुसंख्यक समाज को खुद संविधान के द्वारा, संविधान की गलत व्याख्या के द्वारा ट्रीट किया जा रहा है। तो इसके लिए हम लोगों ने ये शुरू किया है, मूवमेंट शुरू किया है। बेंगलोर में, मुंबई में, कोलकाता में, देश के कई शहरों में इस प्रकार के इवेंट हो चुके हैं। आज हमने यहाँ पर भी एक वर्कशॉप की थी, सुबह से अभी तक 3 बजे तक वर्कशॉप चली थी हिंदू चार्टर के विभिन्न मुद्दों पर। और अब हम लोग आप लोगों से इसलिए परिचर्चा कर रहे हैं कि ये मुद्दे बाकी जनता तक भी पहुँचे। इसमें साथ ही साथ हम लोगों का एक मुद्दा ये भी है कि जो विदेशों से FCRA के तहत देश में फंड आता है उसके ऊपर भी अब प्रतिबंध लगना चाहिए। देश अब इतना सक्षम है कि अपने देश के पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए, ट्राइबल क्षेत्रों में काम के लिए, अस्पताल के लिए, इन सभी सामाजिक कार्यों के लिए जो जरूरत होती है पैसे की, वो भारत के अंदर से ही उपलब्ध की जा सकती है। तो FCRA फंड पर हम लोगों ने बैन की डिमांड की है, क्योंकि रिसर्च में ये देखने में आया है कि FCRA का जो फंड आ रहा है वो फंड कहीं ना कहीं धर्म परिवर्तन के लिए इस्तेमाल हो रहा है और एक धर्म विशेष के प्रतिष्ठानों के लिए पैसा आ रहा है। थोड़ा सा ही लगभग 18,000 करोड़ में से 12,000 करोड़ क्रिश्चियन मिशनरीज के लिए पैसा आता है, और 400 करोड़ रुपए फंड केवल ऐसा है जो हिंदू, जैन और सिख समाज के धर्म के लिए आता है। तो हमें ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ा एक असंतुलन पैदा किया जा रहा है इस देश में और इसकी ज़रूरत नहीं है। तो FCRA के फंड को पूरी तरह से बंद करने की हम लोगों ने डिमांड की है। इसमें हम लोगों ने ये भी एक डिमांड की है कि
भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है, भारत का जो इतिहास है, भारत की जो पुरानी इमारतें हैं, भारत के जो प्राचीन ग्रंथ हैं, इनका संरक्षण करने की, इनको संभालने की नैतिक जिम्मेदारी भारत की सरकार की है। इस दुनिया में कोई और देश ये काम करेगा, ये केवल भारत देश को ही करना है, भारत की सरकार को ही करना है। तो भारत की सरकार एक ऐसा कानून बनाए जिसमें इस देश के प्राचीन ग्रंथों को, प्राचीन परंपराओं को, कला को, संस्कृति को, पुराने इतिहास को और पुरानी इमारतों का संरक्षण करने की, उनका प्रचार प्रसार करने की जिम्मेदारी भारत सरकार उठाए, उसके लिए विशेष कमेटी, विशेष आयोग जो भी बनाना वो बनाए और अलग से एक फंड भारत की सरकार के बजट में दिया जाए और जो इस देश की धर्म परंपराओं, कला, संस्कृति, इमारत और इतिहास, इसके संरक्षण के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और इस प्रकार का ये हिंदू चार्टर का हमारा प्रारूप है। ये शॉर्ट में मैंने इसका इंट्रोडक्शन आपके सामने रखा है और मैं संक्रांत सानू जी से कहूंगा कि वो इसमें अपनी बात को आगे जोड़ेंगे। संक्रांत जी, पहली बात तो मैं हिंदू चार्टर की एक मार्केटिंग चीज बोल देता हूँ। हमारी वेबसाइट है hinduchapter.org, तो वेबसाइट पे आप जाकर इसकी पूरी जानकारी भी ले सकते हैं और लोग वहां पे जाकर सिग्नेचर कर सकते हैं इसके समर्थन में। हम चाह रहे हैं कि जल्द ही, अभी 50,000 से अधिक सिग्नेचर हो चुके हैं और हम चाह रहे हैं कि इसका 1,00,000 तक जल्द ही पहुंच जाए, तो उसका कार्य है और आपके माध्यम से और लोगों तक पहुंचेगा। और एक दो मुद्दे जो कपिल जी ने जिक्र नहीं किए, एक हम भाषा का मुद्दा ले रहे हैं। भाषा में लगभग आप दुनिया के सभी समृद्ध देशों को देखिए, सभी डेवलप्ड देशों को देखिए, तो सब डेवलप्ड देश अपनी अपनी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और अपनी भाषा के आधार पर ही आगे विकसित हुए हैं। आप ईस्ट एशियन टाइगर्स को अगर देख लीजिए, चाइना को देख लीजिए, जापान को देख लीजिए, ताइवान को देख लीजिए, कोरिया को देख लीजिए, यूरोप के भी सभी समृद्ध देशों को देख लीजिए, सब अपनी अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं। तो भारत में ऐसी स्थिति बनी हुई है कि भारत में भारत सरकार ने ही भारतीय भाषाओं को समान दर्जा नहीं दिया। तो हमारी हिंदू चार्टर की मांग है कि भारतीय भाषाओं को समान दर्जा दिया जाए। आज जो सारे संस्थान जिसको भारतीय सरकार फंड करती है, जो उच्च कोटि के संस्थान है, चाहे आप IITs ले लीजिए, एम्स ले लीजिए, आप MBA इंस्टीट्यूशंस ले लीजिए, IIMs ले लीजिए, आप सुप्रीम कोर्ट ले लीजिए और अधिकतर सारे बाकी कोर्ट, चार कोर्ट, हाई कोर्ट को भी छोड़कर, तो आप देखेंगे कि इसमें केवल अंग्रेजी का प्रयोग हो सकता है और भारतीय भाषाओं का प्रयोग नहीं होता। और ये बहुत देर तक चला आ रहा है, जबकि संविधान के शुरुआत में ये सोचा गया था कि अंग्रेजी को सिर्फ 10 साल के करीब रखेंगे और उसके बाद भारतीय भाषाएं आ जाएंगी। पर हम चाह रहे हैं कि अब ये इसके लिए बहुत समय हो गया, 70 साल हो गए, कि भारतीय भाषाओं को समान दर्जा देने का काम भारत सरकार करे। और ऐसे ही एक दो मुद्दे हैं, कुछ सुरेंद्र जी आप बोलेंगे उसके ऊपर। कपिल जी ने कहा आपके के बारे में, I'll probably expand a little bit upon what we want with respect to the rules and regulations, legal, change in the legal regime with respect to export of meat. What we want is a complete stop and put an end to exporting beef from this country. We don't need to, because of the, there are several reasons, one of the primary reasons being ecological, which is that the this country does not have the land, water, resources in order to support a huge population of human beings, as well as support a huge population, a huge stock of buffaloes which are just being reared for slaughter. And the buffalo slaughter and the corresponding distortions in the herd balance and the corresponding distortions in the market, as well as the transport of cattle across state boundaries, creates the perfect conditions for cattle crossing and cattle theft to take place in this country. And what we are seeing, a lot of the violence is due to cattle rustlers who are stealing and making away with cows and so on illegally for illegal slaughter. And we believe a lot of the conditions that exist to encourage this kind of violence is because of the ability of the large number of licenses issued for export of beef, buffalo meat. That's the second reason. And the third reason is health related. The heavy antibiotics because of industrial scale slaughter and industrial scale rearing of buffaloes, we see that there is a lot of heavy usage of antibiotics, which is resulting in antibiotic resistant strain of bacteria.
So that's the third reason which, and also of course the conditions which exist for large scale stealing, cattle rustling and slaughter, illegal slaughter of cattle. As Hindus, it's an integral part of the Hindu culture, cow protection and protection of cattle and the rearing of cattle, breeds, native breeds of cattle is one of the key components of Hindu culture, and we see this due to this export of beef from India. I'm RBS Mani. I will speak basically on Kashmir, Article 370. See, it has been there for so many years that people have forgot to read the constitution. Even though the text of the constitution very emphatically says it is a the preamble to Article 370 is very clear that it is temporary provisions relating to Kashmir. In spite of that, we are getting all sorts of assistance whenever, including judicial assistance. Highest respect to the judiciary. This literal interpretation is not taken seriously. And number two is Article 370's abrogation can be done either through a resolution by the Assembly to be ratified President or vice versa abrogation which can be ratified by the Assembly later. The present state after 1991, the 19th January 1990 migration of Kashmiri Pandits and subsequent lot of distortions are taken place. The population from Kashmir has gone and settled in Jammu, rehabilitated population. At the same time, their representation structure in the assembly is almost same. This has created distortion, disproportionate representation in Kashmir assembly itself. That is the reason, in spite of the mass mandate not being defined repeatedly, you always have a chief minister, as a matter of right, a JNK person from the valley becomes the chief minister. Initially, it would be right, like a delimitation, anything, so that the distortions are corrected is one option. Further, in the set momentum, we want to take it to ensure that the interest, Jammu and Kashmir, so much of funds have been pumped in, like every time there is a disturbance, there is a huge package announced, financial package announced, and that is all going into valley. Where it goes is a matter of that needs to be elaborated much later. This is not the right forum for that. Having said that, in spite of all these packages, the people of Jammu and the people of Ladakh area continue to be deprived of any developmental benefits. It is more and more flowing into this, and amount of money spent, if had been spent around more balanced way, been a paradise, and certainly Ladakh would have been a best tourist spot in the country. Notwithstanding that, to remove, there are two levels of distortion I am talking about, and to remove these distortions, in the momentum of this Hindu Charter, we propose, one of our proposals, that the state should be trifurcated, preferably Jammu as an independent state, Ladakh as an independent state, and Valley part of Kashmir should be either be under the Union Territory as long as the disturbances of peace is not restored, or it can be independent state with required safeguards. That is one of our better proposals. On the language issue, I suppose I am going along with Mr. Sankaran Sanu, who has done a lot of work. I want to simplify certain very simple things so that it is demystified. Basically, the Nobel Prize, at the 8th class level, what is basically like the higher education in Hindi or English or Tamil or Gujarati or whatever. Now let us say in the 8th class you are taught what is work done. At the same time, if it is taught in Hindi or any local language, it will be Kriya, Kara, Karya, Kar. And energy is taught as capacity to do work. I am going to give you details so that it is very, very clear, comprehended. It should not be taken as anything, any shamanistic move or anything like that. Anishi will do that during the Q&As. Right. Okay. So that is precisely what it is. Samartha. Samartha or the capacity to energy. So this is how it is to be related. Then you can find, certainly if this level of input is there, we can always aim at getting many more Nobel prizes in the country from this country. That is what is my
efforts. It is not that our talent is going waste, and this is what Mr. Imran Sahu is also trying to put it through the reader language. Thank you.